कब तक रातों को पॉर्न देखकर अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहोगे? What? रियल और यूनिक देखना है एडल्ट कंटेंट में, तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 7 वॉच अलोन मूवीज पार्ट 4। What are you doing? नौ अलग अलग कपल सेक्स करने के बाद क्या बातें करते हैं, बहुत ही कड़वा सच है। जब आप अंदर से पूरी तरह खाली हो जाते हो तो सच्चाई बाहर निकलती है। दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव पॉइंट के साथ इस यूनिक टॉपिक के साथ सिर्फ 1 hour 17 मिनट्स की 2007 की आफ्टर सेक्स। देखो मूवी आपको झूठी तसल्ली नहीं सच्चाई दिखाएगी। मूवी के अंदर कॉन्वर्जेशन बहुत ज्यादा है, 9 कपल्स की स्टोरी है। कुछ कपल्स आपको बोरिंग लगेंगे लेकिन उनके बीच के कॉन्वर्जेशन बहुत ही ज्यादा रियल है। अगर आप 18 प्लस हो और वर्जिनिटी लूज कर चुके हो तो शायद आपको रिलेट हो पाए। किसी ना किसी कपल में आप अपने आप को जरूर इमेजिन करोगे। Amazon Prime पर अवेलेबल मूवी को एक ट्राई जरूर देना। कॉलेज की टॉपर लड़की सेक्स एजुकेशन पे फेल हो गई, उसमें भी इसे नंबर 1 आना है तो ये बनाती है सेक्स की टू डू लिस्ट। काफी टाइम बाद क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस रोमांस एडल्ट कॉमेडी ने बहुत हंसाया 2013 की टू डू लिस्ट। आपको अगर लग रहा है कि इसमें खुल्लम खुल्ला सब कुछ देखने मिलेगा तो वो सीन्स बहुत कम है, लेकिन एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से टीनेजर का दिमाग कहां कहां दौड़ता है उसे बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया। अगर आपने कहीं रोमांस कॉमेडी देखी है तो शायद मूवी आपको कुछ पॉइंट पे टिपिकल लगने लगेगी। मूवी कुछ जगहों पे भाषणबाजी करने लगती है तब इसका 1 hour 44 मिनट्स फील होता है, लेकिन ओवरऑल इस लड़की की वर्जिनिटी खोने की जर्नी और कैसे थियरी की सेक्स नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल करने निकली ये लड़की क्या अपनी वर्जिनिटी ड्रीम माचो मैन से लूज कर पाएगी, जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, लिंडा लवलेस। जब एडल्ट मूवी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होती है तो मेरा इंटरेस्ट डबल हो जाता है। दुनिया की पहली पॉर्न एक्ट्रेस कह सकते हो आप लिंडा लवलेस की बायोग्राफी 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2013 की लवलेस। ये डॉक्यूमेंट्री ड्रामा मूवी जहां पर लिंडा लवलेस का हस्बैंड उसे कंट्रोल करता है और कैसे धीरे धीरे पॉर्न इंडस्ट्री में एंट्री होती है और अब्यूज चालू होता है। मूवी बहुत ही हद से ज्यादा बोल्ड है। इनफैक्ट अमेरिका में पहली बार थिएटर्स में कमर्शियली डीप थ्रोट करके मूवी रिलीज हुई जो एक तरह से ऑलमोस्ट पॉनी थी। इंटरनेशनल सक्सेस के बाद डाउनफॉल, जर्नी देखने में आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन बस पता नहीं क्यों फिल्म मेकर्स ने चलती मूवी के अंदर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल घुसा दिया। एक ठीक ठाक हिंदी डबिंग के साथ Amazon Prime पर ये मिल जाएगी आपको। एक इंसान को जिंदगी भर एक ही इंसान के साथ सेक्स करना चाहिए, मनागमी जैसी बातों का चीरहरण करती है ये मूवी, लेकिन कॉमेडी तड़के के साथ 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2015 की ट्रेन ब्रेक। मूवी के अंदर भर भर के सरप्राइजेस है, फुल स्टारडम से भरी है। जॉन सीना, लेबॉन जेम्स, डेनियल रेडक्लिफ जैसे कई सारे सरप्राइजेस है। बस कुछ जगहों पर सेक्स के ऊपर जोक्स थोड़े जबरदस्ती के लगते हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसका मनागमी के ऊपर कॉन्सेप्ट। लड़की का बाप जो उसे सिखाता है लड़की उसे ही अपना प्रिंसिपल बना लेती है, हर रात को एक नया पार्टनर, लेकिन जब इसे रियल प्यार होता है उस टाइम पे अपने बचपन से फॉलो कर रही प्रिंसिपल मनागमी को। जानने के लिए Amazon Prime पर अवेलेबल 2 hours लंबी इस मूवी को एक ट्राई जरूर देना। क्या आप भी इंटरनेट पे लड़की के साथ चैटिंग कर रहे हो और पता नहीं कि ये लड़का है कि लड़की? लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है तो 18 साल का आयन निकल पड़ता है गाड़ी लेकर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी हॉट दिखने वाली ऑनलाइन लड़की से वर्जिनिटी लूज करने। रोमांस कॉमेडी 2008 की सेक्स ड्राइव। मूवी ने मुझे सुपर बैड की याद दिला दी, एकदम कल्ट क्लासिक कह सकते हो, क्योंकि ऐसा सब कुछ हमने भी अपने स्कूल टाइम पे किया है और हमारा इतना रिलेटेबल होना इस मूवी का और भी इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। सेक्स का भूत इस पे इतना चढ़ा होता है, ये सारी इम्पॉसिबल चीजें करता है ताकि इस ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स मिल जाए बस। मूवी 15 साल पुरानी है तो एडिटिंग आपको थोड़ी कच्ची लगे, कुछ सीन्स को इजीली काटा जा सकता था लेकिन वो आपको फील करवाते हैं मूवी की लेंथ। टॉप 2 मूवीज से पहले एम करते हैं 10,000 लाइक्स का इस वीडियो पर। वॉच अलोन मूवीज के अगले पार्ट के लिए। अगली मूवी ने इरोटिक का डेफिनेशन बदल दिया मेरे लिए। इतना ब्यूटीफुल, एडिक्टिव, पैशनेट लेकिन स्लो पॉइजन साइकोलॉजिकल ड्रामा 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2011 की शेम। इस ब्रिटिश मूवी के अंदर कूट कूट के इरोटिक सीन्स है। इसे देखने के बाद शायद आपको कोई भी पॉर्न पसंद नहीं आने वाला। माइकल फासबेंडर जो न्यूयॉर्क में एक सक्सेसफुल और हैंडसम लड़का है लेकिन ये बहुत बड़ा सेक्स एडिक्ट, और ये सेक्स एडिक्शन जब कंट्रोल के बाहर हो जाता है तब भाई साहब, और इस सेक्स की सुनामी में जबरदस्ती एंट्री होती है इसकी सिस्टर की। इससे आगे कुछ भी बताना स्पॉइलर होगा। मूवी थोड़ी आर्टिस्टिक और ऑस्कर टाइप की है तो इसका 1 hour 40 मिनट्स आपको फील होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये सेक्स एडिक्शन देखकर आप अंदर से हिल जाओगे। हर मेल लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे सेक्स एडिक्ट होता है, उसके लिए ये मस्ट वॉच। That's the cocksucker they sent to screw us. नंबर 1 पे ओ भाई साहब, मूवी नहीं नशा कहो इसे। हॉलीवुड को इस मूवी से पहले मैंने इतना नंगा कभी नहीं देखा। मूवी का एक एक सीन आपके दिमाग में छप जाएगा। मूवी अपने टाइम से आगे ये आपको देखने मिलेगा। इसकी सिनेमेटोग्राफी, एडल्ट बोल्ड सीन, कैसे हॉलीवुड में कोई एम्बिशियस स्ट्रगलर से लेकर सुपरस्टार बनता है, इन सुपरस्टार्स की लाइफस्टाइल, इनकी वियर्ड फैंटेसी, भर भर के ड्रग्स और सेक्स से भरी ये पूरी हॉलीवुड की दुनिया आपको 3 hours सीधे 1920s की फिल्म मेकिंग की दुनिया में ले जाएगी। कॉमेडी ड्रामा 2022 की बेबीलोन। सिर्फ 10,000 लाइक्स का एम करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। हिडन जेम हॉलीवुड मूवीज के लिए राइट वाले वीडियो को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।